बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जगमगाते सफेद चमकदार दांत खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, और अगर यही दांत पीले हों तो मुस्कुराहट भी फीकी पड़ जाती है। दांतों पर पिलाहट जमने की सबसे बड़ी वजह खाना खाने के बाद दांतों की सफाई ना करना है। इसके अलावा सिगरेट नोशी, पान, छालिया, कॉफी और चिकनाई वाली गिजाओं का इस्तेमाल भी दांतों की पिलाहट की वजह हो सकती है। अगर दांतों को किसी डेंटल सर्जन से साफ कराया जाए तो काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और इसका कोई खास फायदा भी नहीं होता। तो क्यों ना आपको एक ऐसी नेचुरल होम रेमेडी बता दी जाए जो आपके दांतों को मोती जैसा सफेद बना दे। तो जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन आप भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। इसके पत्ते से हम पहले जेल निकाल लेंगे। इसके लिए आप पहले तो इसको धो लेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि इसमें पीले रंग का फाजिल मादा निकल जाए। फिर इसको साइडों से काट लें और फिर इसके ऊपरी छिलके को हटा दें। अब बआसानी आप इसका जेल निकाल सकते हैं। जेल निकालने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। 2 चम्मच के करीब आपने एलोवेरा जेल लेना है। अब आपने इसमें जो चीज डालनी है वो है साल्ट, यानी कि नमक। 1/2 चाय वाला चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, ये देखें इतना। अब जो चीज आपने इसमें डालनी है वो है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर टूथपेस्ट में ये मौजूद होता है। बस 1 से 2 चुटकी आप इसकी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। और ये आपके दांतों को मोती जैसा सफेद बनाने वाली रेमेडी तैयार है। आपने करना ये है कि अपने टूथ ब्रश पर इसको लगाना है और इससे दांत ब्रश करने हैं। 2 से 3 मिनट आप दांत ब्रश करेंगे, फिर सादे पानी से कुल्ली कर लेंगे। एक ही बार के इस्तेमाल से दांत मोती जैसे सफेद चमकदार हो जाएंगे। सेंसिटिव दांतों वाले और वो लोग जिनके मसूड़ों से खून आता है वो इस रेमेडी से गुरेज करें। बाकी सब हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।